वो यार पता नहीं वो उधड़ गई, इधर से उधड़ गई, फिर दूसरी बार उधर से उधड़ गई, फिर इस वजह से अब मेरा मन नहीं कर रहा यार लिवाइस की कोई जीन्स लेने का, समझ रहे हो आप? नहीं तो अदरवाइज मैं लिवाइस तो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग तो नहीं, एक बज चुका है एंड इतनी गर्मी है ना यहाँ पे, है तो 32 डिग्रीज ही लेकिन पसीने आ रहे हैं भाई। एंड गाइस अभी मैं जा रहा हूँ किसी काम के लिए एंड नहाया भी नहीं हूँ, मेरे को था कि मैं आके नहाऊंगा एंड तो चलिए पहले वो काम कर लेते हैं फिर आपसे खुल के बातचीत होगी। बाकी होशियारपुर आ गए हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है इधर, आप सबको बताएंगे भी कि क्या सीन है क्या सीन नहीं है। तो चलिए मैं अपना काम निपटा लूँ, काम निपटाने के बाद फिर घर जाऊँगा, फिर नहाऊँगा, फिर उसके बाद निकलूँगा जिम के लिए। चलिए गाइस मिलते हैं। सो गाइस नहा के हो गए रेडी, अब जा रहा हूँ जिम की तरफ एंड काम करके घर पे आ गया, जल्दी से नहाया और फिर जिम की तरफ निकल रहा हूँ। अब सोच रहे होंगे यार जिम से पहले क्यों ये बंदा नहा लिया, नहीं मेरे को ऐसा ही ठीक लगता है यार, समझ रहे हो? जिम नहाने से पहले, मतलब जिम जाने से पहले नहाना इज़ अ गुड थिंग। बाकी इतना ज़्यादा टाइट है ना मैं क्या ही बताऊँ। सो गाइस चलते हैं जिम, आज आपको जिम की एक्सरसाइज भी दिखाएंगे एंड फिर देखते हैं क्या माहौल बनता है। खाया भी कुछ नहीं है, फास्टिंग ही कर रहा हूँ, फिर मिलते हैं आपसे जल्दी, मुलाकात होगी। Cabin fever's pulling me. I want to hold on to something greater. I feel the waves come crashing in. I'm drowning, drowning, drowning. Drowning, drowning, drowning. Drowning, 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 drowning. सो गाइस जालियां तो लगा के रखनी पड़ती हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा गड्डी गर्म हो जाती है ना ब्रो। अब पता नहीं जालियों का सिस्टम ठीक है कि नहीं ठीक, लेकिन अब ठीक है, क्या ही कर सकते हैं ना, बट उतार ही देते हैं यार इसको, है ना, क्योंकि यार पुलिस वाला इसका भी चलान कर देती है एंड मैं नहीं चाहता कोई सिस्टम होर होवे, समझ रहे हो? चलो चलते हैं जी घर पर, खाना खुना खाएँगे, देखते हैं आज का क्या प्लान है, क्या सिस्टम बनता है। एंड चश्मा ला के थोड़ा सेट ज्यादा हो जाना गाइस। जिम कराया आज, आपने देख ही लिया होगा कि जिम बढ़िया तरीके से हुआ अपना आज, क्या कर रहा हूँ नजारा आ गया भैया। तो चलो चलते हैं घर, फिर दिखाते हैं आपको आज की कार्रवाई क्या होगी। सो गाइस निकल गए हैं घूमने फिरने एंड बात कर लेते हैं बिग बॉस की। भाई बिग बॉस देख रहा था, उसका नॉमिनेशन वाला सिस्टम, भाई पूजा भट्ट ने क्या एक्सप्लेनेशन दी है। आलिया को बोला है कि भाई विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दे, कोई फ़ायदा नहीं है विक्टिम कार्ड खेल के। एंड बोला है कि खेलना है तो अपने दम पे खेल, ठीक है जी। ये चीज़ मेरे को बड़ी बढ़िया लगी है। और पूजा भट्ट ने एंड में एक स्टेटमेंट दी है कि शीशा तोड़ने से चेहरे बढ़िया नहीं हो जाते, तो मतलब इट वॉज़ वेरी गुड। एंड रही बात जिया और अविनाश का सिस्टम, मेरे को भी लग रहा था कि जिया थोड़ी सी डिक्लाइन है उसकी तरफ, अविनाश की तरफ। एंड
जब उसने सच्चाई बोल दी कि मैं नहीं हूँ डिक्लाइन, तब उसको चुभ गई बातें। बट यार एक कॉमन सेंस की बातें हैं सारी कि यार आपकी एक एक्स थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड है और आप उस पर डोरे नहीं डाल सकते, दैट्स नॉट अ जेंटलमैन थिंग, समझ रहे हो। फिर बाकी अच्छा तो अच्छा लगने लग गया है, लेकिन फिर भी पुनीत को तो मैं सम कर ही रहे हैं, सीधी सी बात है ना। एंड अभी देखते हैं क्या सीन बनता है, क्या सिस्टम बनता है। एंड ओवरऑल बिग बॉस तो थोड़ा ठीक ही चल रहा है यार, लेकिन ठंडा पड़ा हुआ है अभिषेक मल्हान, फुकरा इंसान। ठीक है साइरस फिर भी थोड़ा बहुत हंस मजाक करता है, भाई हार्ट ऑफ द शो है अपने कौन, मनीषा रानी। मनीषा रानी एक नंबर है यार, मेरे को इतनी का ज़्यादा बढ़िया लगती है ना वो। एंड सोया चलो चलते हैं, मारते हैं गेड़ी गुड़ी, लिवाइस जा रहे हैं, देखते हैं कुछ पसंद आ जाए तो आ जाए। आ ही ले लीजिए, केड़ी ले लीजिए फिर। एक कार रंग हो गया, एक काला हो गया भाजी, हो और केड़ा आएगा ना मैचिंग। सो गाइस 9 बज गए हैं, घर जाने का प्रोग्राम हो गया है शुरू। एंड लिवाइस गए थे यार, लेकिन ना अब क्या बताऊं लिवाइस के बारे में, उसमें ना पेंट ली थी मैंने सबसे महंगी, वो यार पता नहीं वो उधड़ गई, इधर से उधड़ गई, फिर दूसरी बार उधर से उधड़ गई, फिर इस वजह से अब मेरा मन नहीं कर रहा यार लिवाइस की कोई जीन्स लेने का, समझ रहे हो आप। नहीं तो अदरवाइज मैं लिवाइस की 517 जब से लॉन्च हुई है तब से वही पहन रहा हूँ, लेकिन फिर अब जब से वो पहन, इतनी महंगी पैंट फटी है ना, तब से मन नहीं कर रहा यार कि वो लिवाइस की पैंट कोई ली जाए। गारंटी तो अभी उन्होंने दी है कि कह रहा सर आप दोबारा लेके आना वो पैंट, मैं आपको अपने एंड पे चेंज करवा के दूंगा। सो लेट्स सी, देखते हैं, अगर वो ऐसा सा कुछ अपने को ऑफर मिल जाता है तो अपन फिर लिवाइस पे टिके रहेंगे, कहीं और ब्रांड पे नहीं जाएंगे। अदरवाइज बूट कट में अपने पास अमेरिकन ईगल भी है जो कि थोड़ी ठीक है, एंड बाकी चलता ही रह गया सिस्टम। बाकी गाइस घर पे आके तो यार सुकून मिल जाता है, बिल्कुल माइंड हो जाता है फ्रेश पूरा। बस ही बस एक दो दिन में डिसाइड कर रहे हैं किसी उसमें निकलेंगे, ट्रिप पे निकलेंगे, लेट्स सी कौन सा ट्रिप कहाँ कैसा ट्रिप कैसे बनता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बनने वाला है जल्दी। एंड क्योंकि मैं खुद उसी ट्रिप के लिए आया हूँ यहाँ पे, एंड बड़ा ज़रूरी है वहाँ पे जाना। एंड कल इस यार रिव्यू आज भी शूट करना था, आज भी टाइम नहीं मिला क्योंकि आज मैं सुबह भी लेट ही उठा यार, 12 बजे उठा, फिर उसके बाद सारे काम लेट हो गए यार, समझ रहे हो। इसका रिव्यू भी शूट करना है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह भी करवानी है, और आप सबको मैं बताऊँगा धीरे धीरे क्या करवानी है। एंड हाई राइडर है यार, एंड स्मूथ कार है भाई, ट्रस्ट मी सच में बताऊं भाई, मतलब इस सेगमेंट में ना ये सबसे बेस्ट कार है यार। मतलब ये देख रहे हो शहर में एवरेज कितनी दे रही है, 15.8। मतलब इसमें ऐसे सिस्टम हो गया जैसे अपनी घर में जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा एवरेज वाली कार यही है, जो कि 15 से ऊपर एवरेज यही कार देती है, बाकी सब 10, 9, 7, 8, बस दैट्स इट। एंड ये मस्त कार है यार, मतलब कहने का मतलब यार 15.8 की एवरेज शहर में देना कोई मजाक की बात नहीं है भाई। एंड अलॉय वगैरह तो इसके आप देख ही चुके हो, लेकिन इसका रिव्यू अपन प्रॉपरली शूट करेंगे, प्रॉपर सिस्टम करेंगे, एंड इसकी जो मॉडिफिकेशन वगैरह भी है थोड़ा मैंने सोच रखा है, थोड़ा वैसा सा करवाएंगे। मैंने इसलिए उसको छोड़ दिया था, मैं कहा चल बाद में भी करवाएंगे, उसकी भी वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे, थोड़ा यूट्यूब के हिसाब से चलना पड़ता है भाई, क्या करें। एंड ये बंदा पीछे जो बिना मतलब की हॉर्न दे रहा है, एंड साला बिना मतलब की हॉर्न देते रहेंगे यार दुनिया, मतलब अभी बीच में बच जाता है यार वो बंदा। तो चलो गाइस मिलते हैं, अभी रुको जरा एक सज्जन से मिलाते हैं आपको। सो गाइस टाइम हो गया है 9:15, कहाँ मैं 9:15 बॉम्बे में बाहर होता हूँ और कहाँ 9:15 मैं यहाँ पे घर के अंदर हूँ।
एंड इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। एंड जो बंदे नए हैं मेरे इस चैनल में वो चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। एंड बहुत जल्दी मैं इस वाली कार का रिव्यू लेके आ रहा हूँ एंड आप सबको दूसरे चैनल पे मेरे पता चल जाएगा। जिसने मेरा दूसरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लो। ओके गाइस, गुड नाइट, फिर मुलाकात होगी जल्दी।